सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube चैनल के लिए एक प्रोफेशनल सब्सक्राइब बटन एनिमेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन से। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 10 से भी ज़्यादा सब्सक्राइब बटन एनिमेशन की वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से जाके ये सारे टेम्पलेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली आपको काइनमास्टर को ओपन करना है। अगर आपने काइनमास्टर को डाउनलोड नहीं किया है तो मैं इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से इजीली इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सिंपली हमें सब्सक्राइब बटन एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सिंपली यहां पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहां पे 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करना है। फिर आपको मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो आपने लिंक के थ्रू डाउनलोड किया था जो एनिमेशन टेम्पलेट, यहाँ पर एक सब्सक्राइब बटन आपको एक्सपोर्ट कर लेना है जो भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए यहाँ पे मैं एक एनिमेशन को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा एनिमेशन वीडियो काइनमास्टर में इनपुट हो चुका है। फिर देखिए इसे आप प्ले करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। उसके बाद सबसे पहले इस एनिमेशन में हमें अपने YouTube चैनल का लोगो इनपुट करना है। तो सिंपली हमें लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर मीडिया के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको अपने चैनल का लोगो को सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके चैनल की लोगो की साइज कम या ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके क्रॉपिंग के ऑप्शन में जाना है और अपने चैनल के लोगो को कुछ इस प्रकार से क्रॉप कर लेना है। उसके बाद सिंपली चेक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद हमें अपने लोगो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए इसे कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर देना है अपने एनिमेशन के साथ। इसे एडजस्ट करने के बाद देखिए हमारा लोगो एनिमेशन के साथ मैच हो चुका है। अब इसे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इसके बाद देखिए हमें यहाँ पे हमारे एनिमेशन वीडियो के बराबर हमारे लोगो का टेम्पलेट मैच कर देना है। फिर देखिए आप वीडियो को प्ले करेंगे तो देखिए हमारे टेम्पलेट के साथ हमारा लोगो मैच हो चुका है। अब हमारे लोगो में इन एनिमेशन एंड आउट एनिमेशन को ऐड करना है। तो सिंपली लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इन एनिमेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है और यहाँ से आपको स्लाइड अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर चेक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद देखिए हमारा वीडियो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। हमारे लोगो में इन एनिमेशन ऐड हो चुका है। फिर हम अपने लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे और इसमें आउट एनिमेशन को ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए राइट साइड में आउट एनिमेशन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ से आपको स्लाइड डाउन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर चेक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए हमारा वीडियो कुछ इस प्रकार से प्ले होगा। देखिए हमारे टेम्पलेट के साथ हमारा लोगो मैच हो चुका है। इसके बाद देखिए हमारे इस एनिमेशन टेम्पलेट में अपने चैनल का नाम ऐड करना है। तो सिंपली लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर टेक्स्ट को ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपने चैनल का नाम लिख दीजिए। चलिए हम अपने चैनल का नाम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद देखिए हमारे चैनल का नाम व्हाइट कलर में दिख रहा है, तो इसके फॉन्ट को और इसके कलर को चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए डबल ए का ऑप्शन नज़र आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बहुत सारे फॉन्ट दिखेंगे, आपको यहाँ पर एक फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैं रोबोटो ब्लैक फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली चेक मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमें इसके कलर को चेंज करना है, तो यहाँ पे देखिए वाइट कलर का जो सर्कल नज़र आ रहा है, सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेना है। फिर चेक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। तो देखिए हमारे चैनल का नाम का कलर और फॉन्ट दोनों चेंज हो चुका है। फिर देखिए हमारे चैनल का नाम थोड़ा डार्क कलर में दिख रहा है, तो इसे परफेक्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए राइट साइड में स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ पर देखिए शेडो का ऑप्शन ऑन है, आपको इसे ऑफ कर देना है। तो देखिए हमारे चैनल का नाम परफेक्टली हो गया। सिंपली आपको चेक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए अपने चैनल के नेम के ऊपर क्लिक करना है और इसकी साइज को थोड़ा कम कर लेना है कुछ इस प्रकार से, और बीच में इसको एडजस्ट करके कुछ इस प्रकार से सेट कर देना है। फिर देखिए आप इसे प्ले करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा।
अब देखिए हमारे चैनल का नाम बीच में दिख रहा है, उसके बाद देखिए हमारे वीडियो का जितना लेंथ है उतना ही लेंथ अपने टेक्स्ट का भी कर देंगे कुछ इस प्रकार से। इसके बराबर एडजस्ट करने के बाद अब सिंपली आप देखिए वीडियो को प्ले करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए हमारे एनिमेशन टेम्पलेट के साथ हमारे चैनल का लोगो भी मैच हो चुका है। अब देखिए हमारे चैनल का जो नेम है उसमें भी इन एनिमेशन एंड आउट एनिमेशन ऐड करना है, तो सिंपली चैनल के नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए इन एनिमेशन के ऑप्शन में जाके हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और यहाँ पे देखिए स्लाइड अप के ऑप्शन पे क्लिक करके हमें चेक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। उसका देखिए हमारे चैनल के नेम के साथ इन एनिमेशन ऐड हो चुका है। अब इसमें आउट एनिमेशन को ऐड करने के लिए सिंपली नेम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए आउट एनिमेशन के ऑप्शन में जाके यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे और स्लाइड डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करके चेक मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए अगर आप वीडियो को प्ले करते हैं तो देखिए हमारा सब्सक्राइब बटन एनिमेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगा। देखिए परफेक्टली एकदम मैच हो चुका है हमारा सब्सक्राइब बटन एनिमेशन। इस प्रकार सब्सक्राइब बटन एनिमेशन हमारा क्रिएट हो चुका है। अब सिंपली हमें यहाँ पर शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसका रेजुलेशन फुल HD 1080p सेलेक्ट करना है और इसका फ्रेम रेट 30 सेलेक्ट कर लेना है। फिर इसकी क्वालिटी को हाई कर देना है और फिर एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक करना है। इस प्रकार हमारा सब्सक्राइब बटन एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। अब इसे वीडियो में कैसे ऐड करते हैं चलिए आपको बताते हैं। सिंपली बैक आ जाएंगे और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करके 16:9 का रेशियो सेलेक्ट करेंगे। आप जिस भी फॉर्मेट में वीडियो को ऐड करते हैं उसका रेशियो सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सिंपली आपको मीडिया के ऑप्शन में जाके यहाँ पर आपको वो वीडियो को ऐड कर लेना है जिस वीडियो में आप सब्सक्राइब बटन एनिमेशन को ऐड करना चाहते हैं। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर एक वीडियो को मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। वीडियो को ऐड करने के बाद सिंपली चेक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पर वीडियो ऐड हो चुका है। अब आपने अपने वीडियो में जहाँ पर भी अपने ऑडियंस को सब्सक्राइब करने के लिए बोला है वहाँ पर टाइमलाइन को स्क्रॉल करते हुए लाइए। उसके बाद सिंपली आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर मीडिया के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको एक्सपोर्ट के ऑप्शन में जाके अभी आपने जो वीडियो को एक्सपोर्ट किया उसे सेलेक्ट कर लेना है। देखिए फिर चेक मार्क के ऊपर क्लिक करना है तो देखिए हमारा वीडियो कुछ इस प्रकार से दिखेगा, लेकिन अभी भी इसमें ग्रीन स्क्रीन दिख रहा है। तो सिंपली अपने वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा तो आपको एक क्रोमा की का फीचर मिलेगा। सिंपली उस पर क्लिक करना है और उसे इनेबल कर देना है, फिर चेक मार्क के ऊपर क्लिक करना है। फिर देखिए हमारा सब्सक्राइब बटन एनिमेशन में से ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुका है। फिर वीडियो को प्ले करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब आपको अपने सब्सक्राइब बटन एनिमेशन को क्लिक करके अपने वीडियो में जहां पर भी सेट करना है लेफ्ट राइट या नीचे के साइड कुछ इस प्रकार से सेट कर दीजिए। फिर सिंपली चेक मार्क के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद हम अपने वीडियो को प्ले करेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से दिखेगा हमारा सब्सक्राइब बटन एनिमेशन। अब हमें अपने वीडियो को सेव करना है तो सिंपली यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका क्रिएट किया हुआ वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से आप अपने स्मार्टफोन की मदद से एक सब्सक्राइब बटन एनिमेशन अपने YouTube चैनल के लिए क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।